वेलकम टू योर सक्सेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक वीडियो। तो उस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा कुछ वर्ड्स के मीनिंग, और उन वर्ड्स में आपको देखने को मिलेंगे कुछ साइलेंट लेटर्स जो आपको मैं बोलने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने भी मेरे पहले वीडियो वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स पर नहीं देखी हो, जरूर से देखिए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है नज़दीक। नज़दीक का मतलब है नाई। नाई, तो नाई में जो आपका जो साइलेंट लेटर है वो है जी। आप नाई को प्रोनाउंस करते समय जी का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए ये साइलेंट लेटर है। नेक्स्ट वर्ड है रात। रात का मतलब है नाइट। नाइट, तो नाइट में जो आपका साइलेंट लेटर है वो है जी। नाइट में जी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है अक्सर। अक्सर का मतलब है ऑफन। ऑफन, तो ऑफन में जो साइलेंट लेटर है वो है टी। आप ऑफन को प्रोनाउंस करते समय टी का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है धब्बा। धब्बा का मतलब है पैच। पैच, आपका पैच में जो साइलेंट लेटर है वो है टी। आप टी को प्रोनाउंस करते समय यूज नहीं करते हैं पैच में। नेक्स्ट वर्ड है हथेली। हथेली का मतलब है पाम। पाम, तो पाम में जो आपका साइलेंट लेटर है वो है एल। एल को यूज नहीं करते हैं पाम को प्रोनाउंस करते समय। आपका नेक्स्ट वर्ड है घना। तो घना का मतलब है पीच। पीच, तो आपको पीच में जो साइलेंट लेटर है वो है टी। तो आपको पीच, आप पीच को प्रोनाउंस करते समय टी का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेचैनी। बेचैनी का मतलब है क्वाम। क्वाम, तो आपका क्वाम में जो साइलेंट लेटर है वो है एल। आप एल को यूज नहीं करते हैं क्वाम को प्रोनाउंस करते समय। नेक्स्ट वर्ड है इस्तीफा देना। इस्तीफा देना का मतलब है रिजाइन। रिजाइन, रिजाइन में जो आपका साइलेंट लेटर है वो है जी। आप रिजाइन को प्रोनाउंस करते समय जी का उपयोग नहीं करते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट वर्ड है तुक। तुक का मतलब है राइम। राइम, तो राइम में जो आपका साइलेंट लेटर है वो है एच। आप राइम को प्रोनाउंस करते समय एच का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है चाहिए। चाहिए का मतलब है शुड। शुड, तो आपका शुड में जो साइलेंट लेटर है वो है एल। शुड को प्रोनाउंस करते समय एल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नर्म करना। नर्म करना का, नर्म करने का मतलब है सॉफन। सॉफन, तो आपका सॉफन में जो साइलेंट लेटर है वो है टी। आप सॉफन को प्रोनाउंस करते समय टी का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ठंडी सांस। ठंडी सांस का मतलब है साई। साई, तो आपका जो साई में जो साइलेंट लेटर है वो है जी। आप जी का यूज नहीं करते हैं साइलेंट लेटर है वो। साई को प्रोनाउंस करते समय जी का यूज नहीं करते हैं। तो आपका नेक्स्ट वर्ड है सिलाई। सिलाई, सिलाई का मतलब है स्टिच।
स्टीच, तो स्टीच में जो आपका साइलेंट लेटर है वो है टी, टी। स्टीच को प्रोनाउंस करते समय टी का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तलवार, तलवार का मतलब है स्वॉर्ड, स्वॉर्ड। आपका स्वॉर्ड में जो साइलेंट लेटर है वो है डब्ल्यू, आप डब्ल्यू का यूज नहीं करते हैं जब आप स्वॉर्ड बोलते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है बातचीत, बातचीत का मतलब है टॉक, टॉक। तो आपका टॉक में जो साइलेंट लेटर है वो है एल, आप टॉक को प्रोनाउंस करते समय एल को यूज नहीं करते हैं। क्रोध, क्रोध का मतलब है रैथ, रैथ। तो आपका रैथ में जो साइलेंट लेटर है वो है डब्ल्यू, आप रैथ को बोलते समय डब्ल्यू का यूज नहीं करते हैं। तो आपका नेक्स्ट वर्ड है कलाई, कलाई का मतलब है रिस्ट, रिस्ट। तो आपका रिस्ट में जो साइलेंट लेटर है वो है डब्ल्यू, आप डब्ल्यू का यूज नहीं करते हैं जब आपको रिस्ट प्रोनाउंस करना होता है। ओके, बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ज़रूर से मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर से देखिए, मैंने काफ़ी सारे वीडियो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर बना रखे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।